और आज कुछ ऐसा चीज पापा लेके आए हैं। चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए। फंस रहा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जहां रामजीवी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज पापा बाजार गए थे दोस्तों और आज मैं नहीं गई थी, और चलिए आप लोगों को दिखाते हैं पापा क्या क्या लेके आए हैं। ये देखिए, मेथी साग लेके आए हैं पापा, 3 मुट्ठा, और एक मुट्ठा पता नहीं कहाँ हो गया। ये देखिए, 3 मुट्ठा का 10 रुपया है, और ये धनिया पत्ता 5 रुपया का है 1 मुट्ठा, और फूल गोभी 20 रुपया किलो, और ये पत्ता गोभी 10 रुपया का है 10 रुपया किलो दोस्तों, और ये दतून भी 10 रुपया का है। ये देखिए पापा के लिए, और हम लोग और पापा टमाटर भी लेके आए हैं, और ये 15 रुपया किलो दोस्तों टमाटर, और गाजर 10 रुपया किलो दोस्तों। ये देखिए, और प्याज 20 रुपया किलो, इस बार का प्याज इतना अच्छा नहीं है इसीलिए 20 रुपया किलो दोस्तों, और ये लहसुन बहुत छोटा छोटा है और इसका 30 रुपया पाओ दोस्तों लहसुन। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, आज कुछ फाइनल दोस्तों, और आज कुछ ऐसा चीज पापा लेके आए हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में नहीं लेके आने पाए थे, क्योंकि उस दिन नहीं मिला था। और चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखिए, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये इसका नाम क्या है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं ही बता देती हूँ, इसका नाम है बेंग साग। ये देखिए, हम लोग इसे बेंग साग बोलते हैं, और पता नहीं कुछ लोग कुछ और नाम से भी बोलते होंगे। ये देखिए, ढेर सारे लेके आए हैं पापा, ये देखिए, ये देखिए, आप सब देख सकते हैं, और लहसुन बहुत छोटा छोटा है दोस्तों, ये देखिए, और ये देखिए सेम भी है, और सेम भी 15 रुपया किलो दोस्तों। सब्जी तो आप लोगों को मैंने सब कुछ ऐसे भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया, और पापा उसके साथ कुछ और भी लेके आए हैं, तो रुकिए आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए झोला ब्लू कलर का, जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, कपड़ा वपड़ा डाल के ले जाएंगे, और इसका MRP 20 रुपये है, और इसके साथ राज का भी कुछ आया है बैग, और इसका MRP है 150 रुपीज़। तो चलिए राज के पास ले जाके देखते वो कैसा रिएक्शन उसका आता है। राज, तेरा बैग राज तो बहुत खुश है दोस्तों, कैसा लगा बैग? अच्छा, देखो कैसा है, अच्छा लग रहा है ना? हाँ। राज को बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ये देखिए, बता दो आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा राज तो बोल रहा है, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि ये मिकी माउस का है। और आप लोग को हम लोग कुछ बना के हम लोग नहीं हमसे बना के दिखाने वाले हैं, मैं और मेरी मम्मी, और वो उसका नाम है मेथी का पराठा। और अभी मम्मी मेथी का पराठा बनाने वाली है दोस्तों, तो आप लोग को दिखाएंगे। और ना अभी मम्मी मेथी का साग है उसको डट्टी सबको हटा रही है, वो देखिए। और इधर साइड मम्मी धो के साग को ये सूप में ही रख दिया दोस्तों, ये देखिए पानी गरेगा इसीलिए। और इधर साइड मम्मी मेथी का साग को काट रही है दोस्तों, ये देखिए
फाइनली दोस्तों मम्मी मेथी का साग को पूरा काट ली है, ये देखिए। और इधर साइड मम्मी मेथी का साग को ये आटा में मिक्स कर रही है, और अब इसमें मम्मी पानी डाल रही है। और मम्मी तो शायद आधा घुट के पूरा कंप्लीट कर दिया। तो दोस्तों आज इधर साइड मम्मी मेथी का पराठा बना रही है दोस्तों, ये देखिए अभी बेल रही है मम्मी। और ये देखिए मेरा छुटकू भाई को क्या कर रहा है, तो फंस रहा है दोस्तों। ये देखिए कैसे सेट को बन गया है दोस्तों, और मम्मी इसको भी चढ़ा दी है, ये देखिए। और इस छोटे से कप में मम्मी तेल डाल ली है, रिफाइंड तेल। और ये जैसे ही ये बन जाएगा उसके बाद इसमें मम्मी थोड़ा तेल लगाएगी। नहीं हुआ, हो गया सर का। मैं भी मम्मी का हेल्प करूंगी, तो लगा सकते हैं। अब इसमें मैं तेल लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि मम्मी धर चढ़ी है। देखिए आटा थोड़ा सा और थोड़ा सा शायद से गीला हो गया, तो मम्मी अभी कर रही है उसको फिर से। इधर साइड भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे। अब इसे भी मैं उसमें मैं रखूंगी, ये देखिए। फाइनली दोस्तों बनके ये कंप्लीट हो गया है, ये देखिए खत्म भी हो गया है, ये देखिए। राज तो भी टेस्ट करके बताने वाले थे, चलो खाओ। कैसे बना है? बहुत टेस्टी बना है, राज बोल रहा है दोस्तों। और राज तो भी खा लिया दोस्तों मेथी का पराठा, और आप लोग भी घर पर ट्राई कीजिएगा हम लोग के तरीके से बनाने के लिए, क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके से भी बनाते हैं। और आज का वीडियो यही एंड करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगले वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।